आपसे विनती करती हूँ महारानी, मुझे बता दीजिए मेरा पुत्र कहाँ है, उसे मुझसे बात छीनिए। ये क्या कह रही है तू? मुझे कैसे ज्ञात होगा कि गरुण कहाँ है? उठ जा, उठ। अब बता क्या हुआ है। चारों ओर देख लिया, कोना कोना छान लिया, किंतु गरुड़ कहीं नहीं है। यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा वो। कहीं भी हो, मेरी पुकार सुनते एक क्षण भर में लौट आता है वो, किंतु आज उसे पुकारते पुकारते मेरा कंठ बैठ गया, मेरा पुत्र नहीं आया। मुझे डर लग रहा है महारानी, कहीं वो किसी ऐसे स्थान पर तो नहीं चला गया जहाँ उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई ना दे रही हूँ। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए चंद्रदेव। तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो गरुड़, किंतु जिस कारण से तुमने इतनी कठिन यात्रा करने की ठानी है वो अत्यंत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विजय भव। धन्यवाद चंद्रदेव। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले, प्राणियों में शुभ और मंगल की भावना का संचार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। ये तो गरुड़ है, मेरा छोटा भाई। कौन है ये जो सूर्यदेव के रथ का संचालन कर रहे हैं? ये मुझे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए, और मुझे इनसे एक विचित्र सा जुड़ाव क्यों अनुभव हो रहा है? लगता है तुम्हारा उचित स्थान यहाँ नहीं, कहीं और है। क्षमा करें सूर्यदेव, किंतु मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं वो कारण पता नहीं लगा लेता जिसके लिए मेरी माँ को अपना जीवन दासी बनकर व्यतीत करना पड़ रहा है, मैं उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। पुत्र हो तो ऐसा। तुम्हारी भावना, इच्छा शक्ति, शारीरिक बल अद्भुत है गरुण, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। स्वर्ग इतना सुंदर स्थान है पुत्र, कोई एक बार वहां चला जाए तो फिर कभी वहां से बाहर आना ही नहीं चाहता। एक विराट वृक्ष भी है वहां, कल्प वृक्ष। यदि कोई सच्चे हृदय से कुछ भी मांगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। भूलोक के ऊपर तीसरा लोक है महरलोक। श्वेत धवल हिम से ढके जाने कितने ही विशाल पर्वत हैं वहाँ, जिनकी घाटियों और कंदराओं में अनेक ऋषि मुनि और योगी
सैकड़ों वर्षों से गहन तपस्या में मग्न है। जनलोक पितामह ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का निवास स्थान है। ना इन्हें कोई भौतिक कामना है, ना ही आध्यात्मिक इच्छा। ये चारों भाई एक साथ उदासीन भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। केवल दो ही लक्ष्य हैं इनके, भगवान विष्णु की भक्ति और ज्ञान का दान। आप सभी कुमारों को मेरा सादर प्रणाम। वैकुंठ में बिना अनुमति के प्रवेश करना असंभव है। तुम्हें द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठोगे तुम और पृथ्वी पर वापस फेंक दिए जाओगे। और नीचे गिरते समय तुम्हारा वेग इतना अधिक होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। तुम मारे जाओगे गरुड़। लौट जाओ, लौट जाओ। तेरे पुत्र पर तेरा नियंत्रण नहीं है और तू मेरे पुत्रों पर आरोप लगा रही है। मेरा वो आशय नहीं है महारानी। मैंने तो बस राजकुमारों को ये बात करते हुए सुना था कि गरुड़ के सामने उनके मुख से सत्य निकलने वाला था। सही सही बता, क्या शब्द सुने थे तूने? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। गरुड़ को हमारी शर्त के बारे में नहीं पता था, इसलिए मेरा मन कहता है वो कहाँ हो सकता है। ये जानने के लिए हमें आपके पुत्रों से बात करनी ही होगी। अगर अपना भला चाहती है तो प्रार्थना कर कि गरुड़ को कुछ ना पता चला हो, वो किसी सामान्य कार्य से गया हो और शीघ्र ही लौट आए। कहाँ है तू गरुड़? मेरे मन में ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि कहीं तेरे प्राण संकट में तो नहीं? तुम मारे जाओगे गरुड़। अपना कर्म करते समय यदि भाग्य मुझे मृत्यु की ओर ढकेल दे, वैसे मृत्यु भी मुझे सहर्ष स्वीकार है ऋषिवर। और वैसे भी यदि मैं अपनी माँ को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा पाया तो मेरे जीवन का क्या ही लाभ? तुम्हारी मातृभक्ति अद्भुत है गरुड़। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं गरुड़। विजयी भव, विजयी भव। धन्यवाद। ये सुनहरी आभा तुझे तेरे पिता से ही मिली है। उनके बारे में और बताइए ना। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महर्षि मिरीचि और उनके पुत्र हुए तेरे पिता, ऋषि गणों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप। उन्होंने अपने कुल के विस्तार के लिए देव, दानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि की रचना की। समस्त संसार में जो कुछ भी चेतन है, जो एक, दो या अनेक पैरों पर चलता, तैरता या उड़ता है, उन सब का अस्तित्व तेरे पिता की तप शक्ति से ही संभव हुआ है। वो सदा परम ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए उन्हें सत्यलोक में
एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। पिताजी, अथाह लाड़ किया मैंने, त्रुटियों को अनदेखा किया और अपराधों को क्षमा किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सब अपनी सीमा लांघो। इस महल के कुछ नियम हैं और उन सब नियमों का पालन तुम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव चुप्पी की चट्टानों के नीचे दबाए रखना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बाहर आने का अवसर मिलता है तो वो रहस्य अकेले बाहर नहीं लाते, तो अपने साथ लाते हैं सर्वनाश। आपके पुत्रों को बड़ी से बड़ी चट्टानों के नीचे रेंगकर अपने शिकार को दबोचने का अभ्यास है मां, उन चट्टानों को पलटना हमारा स्वभाव नहीं है, ये आप जानती हैं। तक्षक भैया सत्य कह रहे हैं मां, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है और ना ही कोई रहस्य उजागर किया है। अवश्य इस दासी ने आपके कान भरे हैं हमारे विरुद्ध। केवल इतना बता दीजिए राजकुमार कि आज जब आप सब खेल रहे थे तो वहां क्या हुआ था? मैं बताता हूं मां, वो दासी पुत्र हमसे मित्रता करने का प्रयास कर रहा था मां, खेलते खेलते गेंद माणक पर्वत की मायावी मणियों में फंस गई और हमारे आदेश के बिना ही वो गरुड़ उसे ले आया और कहने लगा कि उसे हम बड़े भाइयों की सेवा करनी है, परंतु हमने उसकी चाटुकारिता पे ध्यान नहीं दिया मां, कह दिया कि हमसे संबंध बढ़ाने का प्रयास ना करे वो, है ना भैया? सत्य कह रहे हैं मां। हाँ मां, भैया सत्य कह रहे हैं। हाँ मां, सत्य कह रहे हैं। ठीक से स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई और बात तो नहीं हुई थी ना? नहीं मां। सुन लिया? अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि तेरे पुत्र के लुप्त होने का कारण मेरे पुत्र नहीं है। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। मां, वैकुंठ है कहां? कितनी दूर है और वहां कैसे जा सकते हैं? मां, मैंने सुना था राजकुमार गरुड़ को कोई सत्य बताने वाले थे। सत्य क्या था? क्या उसका संबंध वैकुंठ से है? पुत्र गरुड़, ये क्या कर रहे हो? अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहां क्यों रुके? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। मैंने आज तक मां का त्याग देखा था, आज आपकी तपस्या भी देख ली। अब मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है, मैं ऐसा पुत्र बनूंगा जिस पर आप दोनों को गर्व होगा। मौन मत रहो तक तू धूमर, सत्य बताओ। माँ, वो वहाँ बड़े भैया की बात चली थी तो हमारे मुख से शेषनाग भैया का नाम निकलने वाला था माँ, पर नहीं निकला, पर गरुड़ को कुछ भी पता नहीं चला था। हाँ, और
फिर यहाँ वापस आकर इसी कक्ष में इसी झूले में बैठ के तक्षक भैया ने हमें चेतावनी दी थी कि फिर कभी गरुड़ के सामने शेष भैया का नाम ना ले। शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। मूर्ख हो तुम सब, इस महल के ऊपर बैठकर उसने सब कुछ सुन लिया और तुम लोगों को अंदेशा तक नहीं हुआ। अति सदैव बुरी होती है विंता, आज तेरे पुत्र ने अति की बुद्धि लगाई है और अब वो अति का साहस दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसे क्या लगता है शेषनाग से सत्य निकलवाना इतना आसान है? मिलना तो दूर, वो वैकुंठ के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का ताप उसके पंख जला देगा, अंतरिक्ष की शीत उसकी धमनियों में चल रहे रक्त को जमाकर हिम में बदल देगी। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा का संघर्ष उसके तन को ही नहीं उसकी आत्मा को भी थका देगा और वो शीघ्र ही टूटकर इस पृथ्वी पर आ गिरेगा। इतने वर्षों तक तूने अपने पुत्र के जन्म लेने की प्रतीक्षा की है, किंतु अब उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। विरजा नदी उल्टी बहती है, वही वैकुंठ से पहले अंतिम अवरोध है। सामान्य प्राणी उस विराट नदी को पार नहीं कर सकते, केवल वही महान आत्माएं इस कार्य में सफल होती हैं, जिन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। और यदि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध वैकुंठ पहुंचने का प्रयास करता है तो विरजा नदी उसे स्वयं में समाहित कर उसके प्राण हर लेती है। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा। मां की स्वतंत्रता मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पुत्र तो मेरे मन की बात बिना कहे ही जान जाता है, तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? गरुड़, पुत्र कहाँ है तू? गरुड़ कहाँ है तू? दिन रात में एक ही पहली गाल खोजती थी, उसे अपने नियंत्रण में कैसे करूं, किंतु अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि सच में गरुड़ वैकुंठ के रास्ते पर गया है तो समझो वो कांटा मेरे मार्ग से सदैव सदैव के लिए हट गया है। क्या मेरे मन की पीड़ा का आभास नहीं हो रहा है तुझे पुत्र? तू जहां भी है लौट कर आ जा गरुड़, तेरे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अपनी माँ की पीड़ा का आभास क्यों नहीं हो रहा है तुझे? क्या मेरी पुकार तेरे हृदय तक नहीं पहुंच रही है गरुड़?
राजा। दया निधान है प्रभु, संकट में अपने भक्त का साथ मत छोड़िए। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती श्री विष्णु, मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। प्राण का मूल तत्व भी श्री विष्णु है और जीवन की प्रेरणा भी। दुखों का हरण करने वाले, संकटों का नाश करने वाले मेरे प्रभु अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जो उनकी आराधना करते हैं भगवान विष्णु सदैव प्रत्येक परिस्थिति में उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। सात लोगों की यात्रा पूर्ण करके यहाँ आया, अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकता। मैं अपने लक्ष्य में
सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा ताकि अपने प्रण की लाज रख सकूं। इतनी बड़ी दृष्टता, बिना अनुमति यहाँ प्रवेश कैसे किया? जब तक मैं अपना प्रण पूर्ण नहीं कर लेता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। कितना भी प्रयास कर ले कद्रु, नीति से जीतना संभव नहीं है। होनी तो होकर ही रहती है। पर सच में कहीं गरु सारे संकटों को पार कर सच्चाई जान गया तो? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विद्या समस्त जग के पालन श्री विष्णु का आह्वान करती हूँ। यदि मैंने आपकी आराधना सच्चे हृदय से की है, यदि आपकी भक्ति का तनिक भी पुण्य मैंने अर्जित किया है, यदि कभी भी मन से, वचन से या कर्म से परोपकार किया है, तो आज मुझे उसका फल दीजिए प्रभु। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रण लिया है, इसके लिए उसे दंड मत दीजिए। अपनी भक्त की पुकार सुनिए श्री विष्णु, उसकी रक्षा कीजिए। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। श्री विष्णुवे नमः, 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 श्री विष्णुवे नमः। संबंध है तुम्हारा विंता मां से? ब्रह्मपुत्र कश्यप और दक्ष प्रजापति के पुत्र
मां विंता का पुत्र हूं मैं, गरुड़। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः। मेरी पुकार सुन ली आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपकी सदाए जय। मैं कुछ भोग लेकर आती हूँ। तेरा पुत्र जीवित है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवित लौट भी पाएगा। दीदी, महारानी ऐसा मत कहिए, आपको जो दंड देना है आप मुझे दीजिए, अपने क्रोध का पात्र मेरे पुत्र को मत बनाइए। संसार का नियम है, हर कर्म का प्रतिकर्म होता है। तूने अगर अपने पुत्र गरुड़ को वैकुंठ का रास्ता बताया है तो ये तेरा कर्म था, फल तो भुगतना ही होगा। यदि सच में तेरा पुत्र गरुड़ वैकुंठ गया है तो उसकी मृत्यु की उत्तरदायी तू स्वयं होगी। भले ही तेरा पुत्र भी जीवित हो, किंतु इससे पहले कि वो मेरे या मेरे पुत्रों के लिए संकट बने, मैं स्वयं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। सदा सदा के लिए वैकुंठ भेज दूंगी गरुड़ को। माँ ने वैकुंठ के विषय में जितना मुझे बताया था, यह स्थान तो उससे भी अधिक विशेष है। किंतु यही कहना चाहते हो ना? किंतु हाँ, किंतु यहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब शहीन सा लग रहा है। भैया, प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी कहां है? सर्वशक्तिमान हे विराट पुरुष, सर्वशक्तिमान हे जनार्दन विष्णु महान, हे जनार्दन विष्णु महान, आपको मेरा प्रणाम।
प्रणाम। है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। सभी का करते हैं, प्राण सभी में भरते हैं, आप रक्षा उनकी करते हैं, जो ध्यान आपका धरते हैं। 14 भुवन में न्यारा सबसे उत्तम आपका धाम, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। की गाता हूँ, चरणों में शीश नवाता हूँ, मन में धारी छवि मनोहर, धन्य स्वयं को पाता हूँ। सत्य सनातन माने बताया सबसे पवित्र आपका नाम, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। पुत्र के वियोग में कहीं इसने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया? हाँ, एक साथ हंस भी रही है और रो भी रही है, ये कैसे विचित्र स्थिति है, कुछ समझ नहीं आता कालिया भैया। विचित्र बात तो ये है कि आज दासी माँ पर हमारे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डराने की हमारी युक्ति पुरानी हो गई है भैया। क्या बक रहा है? सत्य ही तो कह रहा है धूमल, अवश्य उस दासी पुत्र ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिससे ये प्रसन्न भी है और दुखी भी। कहीं वो शेषनाग भैया तक तो नहीं पहुंच गया? ये असंभव है भैया, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको क्यों लगता है कि हमारा सगा बड़ा भाई हम नागों को छोड़ के एक पक्षी का पक्ष लेगा? यदि गरुड़ अपने भाई अनंत को मिलने में सफल हो गया तो उसे अतीत का सत्य पता चल जाएगा। जो प्रश्न उसके सुख चैन पर कुंडली मारकर बैठे हैं उनके उत्तर मिल गए तो मेरा सत्य आज मेरे ही पुत्र के प्राणों का शत्रु बन गया है। अपनी त्रुटियों के कारण अपने पहले पुत्र अरुण को तो कष्ट का भागी बना चुकी हूं मैं, करुण को भी मेरे पापों का दंड भुगतना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम्हारे भीतर छोटी मां के गुण हैं, इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है भैया। मां ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं प्रभु विष्णु के चरणों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दूं, तो उस समय मुझे इसका महत्व समझ ही नहीं आया था, किंतु आज परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि मां ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उसके पीछे मेरे लिए इतने बड़े सुख की कामना छिपी थी। भैया, परमपिता के दर्शन तो आपने करवा दिए, किंतु माँ लक्ष्मी कहाँ है? माँ लक्ष्मी और प्रभु का वियोग हो गया है और इसी कारण दुखी होकर प्रभु गहन ध्यान में चले गए हैं। क्या? किंतु कैसे भैया? आपने माँ लक्ष्मी को रोका क्यों नहीं? आप तो यहीं रहते हैं ना? और भैया आप यहाँ क्यों रहते हैं? अपने अपने भाइयों के साथ, बड़ी माँ के साथ क्यों नहीं रहते? और वहाँ आपका नाम लेना वर्जित क्यों है भैया? शांत हो जाओ करुण। इतने प्रश्न एक साथ पूछोगे तो उत्तर कैसे सुन पाओगे? क्षमा कीजिए भैया, माँ भी यही कहती है कि मैं बहुत प्रश्न पूछता हूँ, तो मैं भी क्या करूं भैया? माँ को मैं कितना भी पूछूं वो मुझे कुछ नहीं बताती है, इसीलिए मैं सबसे प्रश्न पूछता रहता हूँ, और जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे भैया, मैं अपना उद्देश्य कैसे पूरा कर पाऊंगा? कौन सा उद्देश्य? मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माँ को आपकी माँ की दास्ता से मुक्त कराना, और इसीलिए मुझे जानना है भैया कि माँ बड़ी माँ की दासी बनी कैसे। भैया आप तो सबसे बड़े हैं, मेरी अपेक्षा केवल आपसे है भैया, क्या आप भी मुझे सत्य नहीं बताएंगे? जटिल प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं होते गरुड़। जिस सत्य को तुम जानने का प्रयास कर रहे हो उसे समझ पाने के लिए तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना होगा। उनके अतीत का संसार जानना होगा तुम्हें, उनकी परिस्थितियों को अनुभव करना होगा, तब समझ पाओगे तुम कि उन दोनों ने वो मार्ग क्यों चुना जिस पर चलकर वो आज स्थिति तक पहुंची हैं। ये कहानी बहुत लंबी है गरुड़। मेरा संपूर्ण जीवन भी इस पहेली को सुलझाने में क्यों ना लग जाए, मैं वो मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है गरुड़, मैं प्रारंभ से आरंभ करता हूं। पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था,
जैसा आज है, केवल शून्य था, केवल ओम का नाद था चारों ओर। बढ़ते बढ़ते ये नाद इतना तीव्र हो गया कि इसके आवेग से शून्य को चीरते हुए प्रकट हुआ क्षीर सागर, और उस क्षीर सागर के मध्य प्रकट हुए परमपिता विष्णु। फिर प्रभु विष्णु की नाभि से एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हे नारायण, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा हैं आप, और आपके जीवन का उद्देश्य है सृष्टि का सृजन करना। जो आज्ञा प्रभु। सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जो प्रजापति कहलाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे सब अपनी अपनी संतानों को जन्म देकर सृष्टि का विकास करें, और इन सभी में प्रमुख थे मरीचि और दक्ष प्रजापति। प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों का विवाह हुआ। प्रजापति मरीचि के पौत्र प्रजापति कश्यप से हुआ। इनमें अदिति से देवताओं का और दिति से दानवों का जन्म हुआ। किंतु भैया, एक पिता की इतनी अलग अलग प्रकार की संतान है, ये कैसे संभव है? प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के सृजन और संतुलन के लिए नियम बनाए। उन्होंने प्रत्येक जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति को अलग अलग गुण दिए। इन गुणों के आपसी समागम से अलग अलग जातियों का जन्म हुआ। पिता एक थे, परंतु माताओं के गुण, मनोभाव और स्वभाव अलग अलग थे, जिस कारण उनकी संतानें भी अलग अलग प्रकृति, प्रवृत्ति और आकृति की हुई। आदित्य और दिति की संतानें तो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की थी। देवताओं में सत्व और रजस गुण थे, जबकि दानवों या असुरों में रजस गुण होते हुए भी तमस गुण की प्रधानता थी। आसुरी प्रवृत्ति प्राणी को शांत नहीं बैठने देती, उसका मन सदैव इसी में लगा रहता है कि कैसे वो किसी से कुछ छीन ले, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, सभी कुछ नष्ट कर दे। उनके इसी विनाशकारी स्वभाव के कारण उनका युद्ध देवताओं से होने लगा, और समय के साथ साथ ये देव असुर महासंग्राम में बदल गया। असुर केवल अपनी शक्तियों का फुहड़ प्रदर्शन करना जानते थे, जबकि देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में संगठित थे और कौशल के साथ दैवीय शस्त्रों से युद्ध करते थे। असुर बार बार हारने लगे, इसी कारण उनकी माता दिति स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगी, और दूसरी ओर देवताओं की माता आदिति, उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पुत्र बलशाली थे, गुणकारी थे। देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की, देवी आदित्य की। Thank you.
बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ भैया, किंतु देवों और असुरों के बीच की शत्रुता का, उनके महासंग्राम का मेरी माँ की दासवता से क्या संबंध है? संबंध है गरुड़, गहरा संबंध है। हमारी सृष्टि की रचना बहुत ही अद्भुत है गरुड़। सृष्टि के किसी भाग में यदि एक तितली भी अपने पंख फड़फड़ाती है ना, तो उसके फलस्वरूप सैकड़ों सहस्त्रों योजन दूर सृष्टि के दूसरे भाग में बवंडर आ सकता है, अकल्पनीय विनाश हो सकता है। अपने पुत्रों के स्वभाव के कारण दिति और अदिति के बीच जो कुछ भी हो रहा था, प्रजापति कश्यप की दूसरी पत्नियां विंता और कद्रु वो सब देख रही थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, समझा, उसने उन दोनों की नियति तय कर दी। कैसे? हाथ जीत के दिखाओ तो मानू। अभी दौड़ समाप्त नहीं हुई दीदी। हो तुम विंता? आनंद तो दौड़ में दीदी, फिर चाहे मैं जीतूं या बात तो एक ही है। सच कहा तुमने, असली माँ तो फल का नहीं कर्म का होता है। तुम्हारी तुम्हारी यही बातें मेरा मन मोह लेती है। बस बस दीदी, प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी अपने नाम से विपरीत आचरण करूं। सदैव विनीत रहूं यही इच्छा है मेरी। लो, हम कर्म की बात कर रहे थे किंतु वो कर्म करना भूल गए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं पूजा की सामग्री तैयार करती हूँ और मैं चंदन घिसकर लेप बना लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। पर दीदी, नहीं, अपनी दीदी का आदेश नहीं मानोगी? ठीक है। इन दोनों बहनों का आपसी संबंध समझना हो तो उस झरने की कल्पना करो घरों, जिसमें जल के स्थान पर बहता था एक दूसरे के लिए असीमित अथाह स्नेह। शब्दों में जिसकी व्याख्या करना असंभव है, ऐसा था इनका प्रेम, अद्भुत, अतुलनीय। जानती हो मैंने अपने प्रभु से क्या कामना की है? कि जब भी मेरे पुत्रों वो अदिति के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। जितना अधिक बल मेरे पुत्रों में होगा मुझे उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। पर दीदी, मुझे लगता है कि अदिति दीदी का सम्मान उनके पुत्रों के शक्तिशाली होने के कारण नहीं होता, वो तो इसलिए होता है कि उनके पुत्र संस्कारी हैं। मैंने भी श्री विष्णु से प्रार्थना की है कि मुझे भी ऐसी ही संतान दीजिएगा, सात्विक और सद्गुणी।
माँ को इतनी अपेक्षा है मुझसे और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उनको दासता से मुक्त नहीं करा पा रहा हूँ। जो भूलों तक को कष्ट नहीं होने देती उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे, क्यों? कभी कभी अनजाने में हुई भूल का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है गरुड़। विंता माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कितने सुंदर पंख हैं इसके। ओहो दीदी, इसके देखने सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, आप नहीं पकड़ पाओगी इसे। बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे तुम पकड़ सकती हो। मेरी इच्छा होती तो अवश्य पकड़ लेती, पर दीदी मुझे किसी को बंदी बनाना अच्छा नहीं लगता। सभी को स्वतंत्र रहने का, स्वच्छंद घूमने फिरने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। बहाने बनाकर ना बात को टालो नहीं, सच तो यह है कि तुम इस तितली को पकड़ ही नहीं सकती। तो लगाओ शर्त, यदि मैंने इसे पकड़ लिया तो? जो तुम कहोगी मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। सच? तो लग गई शर्त। एक ही स्थान पे खड़े होकर उसे देखती रहोगी और उसे पकड़ने का प्रयास भी करोगी। वो श्वेत पुष्प देख रही हो? उस पर उसके बैठने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो उस पे बैठेगी या नहीं? यदि नहीं बैठी दीदी, मानती हो अपनी हार? हाँ हाँ मान गई, तुम जीत गई और मैं हार गई। इसका पंख टूट गया क्या? क्षमा करना तितली, तुम्हारी वेदना का पता ही नहीं चला। अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। छोटी सी शर्त के लिए एक जीवित प्राणी को पीड़ा पहुंचा दी मैंने। हे प्रभु, मैं प्रण करती हूँ आज के बाद ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, तितली ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है ना दीदी, कष्ट हुआ है उसे। तुम भी ना कितना सोचती हो, यदि सोचना ही है ना तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाऊं। शर्त तो हार गई हूँ, दंड तो भुगतना ही होगा। आनंद तो शर्त लगाने में है दीदी, फिर चाहे मैं जीतूं या आप, बात तो एक ही है। और बहनों में शर्त केवल खेल के लिए होती है, उसे निभाने की आवश्यकता नहीं होती। एक दूसरे के लिए जो स्नेह इन दोनों के हृदय में है, उसे देखकर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बड़ी माँ ने माँ को दासी बना कर रखा है। यह स्थिति आई कैसे भैया? ये स्थिति उन दोनों का भाग्य कैसे बनी, इसके अनेक कारण थे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण था विंता माँ से अनजाने में हुआ एक अपराध। छोटी सी शर्त के लिए उन्होंने निर्दोष तितली को अपना बंदी बना लिया था। कहते हैं कि किसी निर्दोष को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, किंतु अनजाने में हुए इस अपराध का दंड विंता माँ को कब और किस रूप में मिलेगा,
इससे वो दोनों ही अनजान थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा, ओम नमः शिवाय। मैंने पिताजी से सुना है ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तनिक सी बात पर भयानक भयानक श्राप देते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैंने भी सुना था, अपनी पत्नी की छोटी सी भूल पर उन्हें कतली का वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था इन्होंने। ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधी थे तो फिर सभी उनका इतना सम्मान क्यों करते थे भैया? क्योंकि उनका मन साफ था। कहते हैं जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है। जहां क्रोध होता है अन्न भी वहीं होता है, अर्थात सच्चे हृदय से यदि कोई क्रोध करता है तो वो भी हमारे लाभ के लिए ही होता है। ऐसे क्रोध करने से हमारा विकास होता है, हम और अधिक समृद्ध होते हैं। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा के श्राप से सदैव समाज का भला ही होता था। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ये क्या है? जो ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाए ऐसे ऋषि ईश्वर से भी अधिक सम्मान के अधिकारी होते हैं। आप जैसे परम पूजनीय महर्षि के सम्मान में हम भूल के भी कोई भूल नहीं करना चाहते। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से प्रभु श्री विष्णु की पूजा कर रही है। कश्यप पत्नी कद्रु विंता, स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। किंतु ये माला एक और तुम दो। कैसे निर्धारित करूं कि ये किसे मिलनी चाहिए? तुम में से अधिक उपयुक्त कौन है? तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। दीदी, महर्षि दुर्वासा ने हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया।
इतनी सी बात थी? महर्षि दुर्वासा ने एक माला माँ को दे दी, बस इस कारण बड़ी माँ ने बहन का नाता भुलाकर माँ को दासी बना दिया। किंतु बड़ी माँ तो माँ को बहुत स्नेह करती थी, फिर ऐसा कैसे भैया? अधिकतर व्यक्ति अपने सगे संबंधी मित्रों का भला ही चाहते हैं, किंतु स्वयं से अधिक भला उनका हो जाए यह नहीं चाहते। महर्षि दुर्वासा ने अपनी माला के लिए बिंता माँ को अधिक उपयुक्त माना था। यह देखकर कद्रु माँ के हृदय में ईर्ष्या ने जन्म लिया। जिस समय कद्रु माँ के हृदय में ईर्ष्या अपनी जड़ें जमा रही थी, उसी समय किसी और का अहंकार पूरे संसार के लिए विपत्ति का वाहक बनने वाला था। और संयोग देखो गरुड़, उसके अहंकार पर प्रहार करने वाले भी महर्षि दुर्वासा ही थे। भैया किसकी बात कर रहे हो? कौन था वो? स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। रुको रावत, प्रणाम महर्षि। मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल शिव जी ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला दी थी। जो भी इसे धारण करेगा, विजयश्री सदैव उसके साथ रहेगी, यश उसके भाग्य का दास होगा और समृद्धि उसकी इच्छा की दासी। मैं तो बैरागी ऋषि हूं, मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इसे आप धारण कर लीजिए देवराज। जो आज्ञा महर्षि। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? विजयश्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का पाठ किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे।
भूमि में मिल जाएगा और श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझसे भूल हो गई। महर्षि मुझसे भूल हो गई। महर्षि महर्षि सच्चे भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं। हर महादेव के परम भक्त महर्षि दुर्वासा का अपमान करके देवराज ने केवल स्वयं को दुख नहीं दिया था, पूरे संसार को कष्ट में डाल दिया था। और सबसे अधिक पीड़ा हुई थी मेरे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी को। महर्षि दुर्वासा का श्राप, हमें इसका मान तो रखना ही होगा। मुझे जाना होगा प्रभु। मुझे छोड़कर कैसे जा पाएंगी? मैं महर्षि के श्राप की अवहेलना नहीं कर सकती नारायण। और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी अर्धांगिनी, आधा आधा प्राण है। आपके बिना मेरा अस्तित्व आधा, मैं अधूरा हूं आपके बिना। दी संभालिए स्वयं को स्वामी। कैसे? ये कार्य तो आपका है ना? मैं संसार को इसलिए संभाल पाता क्योंकि आप मुझे संभालती। आपके बिना ना तो मेरी गति है देव, और ना ही संसार का परिचालन। सच्चे हृदय से उपजा क्रोध समाज के विकास का कारण बनता है प्रभु। संभव कि महर्षि के पवित्र मुख से ये श्राप जगत कल्याण के लिए निकला। और क्या पता हमारे इस वियोग के पीछे कोई बहुत वियोग। ये शब्द ही अकल्पनीय, केवल सुनने से ही असहनीय पीड़ा हो रही है। जब पालन करना होगा तब क्या होगा? वियोग पीड़ा अवश्य देता है सुन, पर पुनर्मिलन उसे कहीं अधिक सुख देता है। हमारे पुनर्मिलन के बारे में सोचिए स्वामी। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब हमारी विरह की अवधि समाप्त होगी और हम फिर से एक साथ होंगे। कितना सुख, कितना अद्भुत होगा वो पल। किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अभी मुझे जाना होगा सर। श्री का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी।
जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्री अर्थात लक्ष्मी समुद्र में चली गई तो प्रभु नारायण भी समाधि में लीन हो गए। तब केवल वैकुंठ ही नहीं सारा संसार श्रीहीन हो गया था। जगत की सारी आभा सारी शोभा लुप्त हो गई। मैं अभी अभी वैकुंठ पहुंचा हूं भैया। फिर भी यहां की वायु में जो पीड़ा का आभास है उसे अनुभव कर पा रहा हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं भैया कि प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए विरह कितना दुखदायक रहा होगा। भैया क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दोनों को फिर से एक कर पाऊं? तुम्हारी सदिच्छा का स्वागत है गरुड़, और यदि ऐसा कोई उपाय मेरी दृष्टि में होता तो उसे यथार्थ में परिवर्तित करके मैं अपनी माता को फिर वैकुंठ ला चुका होता। माता लक्ष्मी समुद्र में थी और भगवान विष्णु समाधि में। ऐसे में संसार में अव्यवस्था और अराजकता फैलना स्वाभाविक था। चारों ओर तामसी विचार पनपने लगे, बुराई बढ़ने लगी थी गरुड़। ऐसे में असुरों के गुरु भार्गव के मस्तिष्क में, जिन्हें भविष्य में संसार ने नाम दिया शुक्राचार्य, देवों के इस आपदा में दैत्यों के लिए अवसर देखा उन्होंने। पहले से ही पीड़ित देवों को पूरी तरह पराजित करने का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने भीषण तपस्या करने का निश्चय किया। आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। कहिए क्या इच्छा है आपकी? महाकाल के साक्षात दर्शन से मैं धन्य हुआ। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, वृत्त संजीवनी विद्या। प्रभु शिव शंकर के इस आशीर्वाद ने महर्षि शुक्राचार्य को ऐसी शक्ति दे दी थी जिसका संसार पर भीषण प्रभाव पड़ा। एक ओर सृष्टि का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर विनाश का आरंभ हो रहा था।
अब समय आ गया असुरराज महाबली से मिलने का। असुरराज महाबली की जय। 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 खुरोहर आप? विजय भव। आपको वो सिंहासन प्राप्त हो जो आपके लिए इससे अधिक उपयुक्त है, स्वर्ग का सिंहासन। शंका के लिए क्षमा चाहता हूं गुरुवर, किंतु आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसका सफल होना असंभव है। देवताओं की शक्ति असीमित है, न जाने कितनी बार उनसे पराजित हो चुके हैं हम असुर। अब नहीं होंगे। यह सत्य है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, किंतु यह भी सत्य है कि कर्मवीर अपना भाग्य बदल सकते हैं और इतिहास भी। आप आक्रमण करेंगे राजा, इस बार विजयश्री की माला आपके वक्ष पर ही होगी, ये वचन है मेरा। जो आज्ञा गुरुदेव। महर्षि भार्गव की जय। महर्षि भार्गव की जय। महर्षि भार्गव की जय। भैया आपने तो कहा था महर्षि दुर्वासा के श्राप में भी संसार की भलाई ही छुपी होती थी, किंतु जो मैंने अभी अभी सुना उसमें तो केवल केवल विनाश की ध्वनि है। ध्वनि विनाश की है, परंतु उसमें छुपा है संतुलन का नाद। ये सृष्टि संतुलन से ही संभव होती है गरुड़। सदैव विजयी होने के कारण देवता अभिमानी हो गए थे। संतुलन का स्थापित होना समय की मांग थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप ने इंद्र के अहंकार को तो ठेस पहुंचाई, किंतु इंद्र समेत अन्य सभी देवताओं के अहंकार का पूरी तरह नष्ट होना अभी शेष था। अब तक दानवों की हार होती थी और उसके कारण होता था मां दिति का तिरस्कार, किंतु अब तिरस्कार की बारी थी माता अदिति की, और इस युद्ध के परिणाम का प्रभाव मां कद्रु और मां विंता के मन पर भी पड़ने वाला था। युद्ध संतानें करती हैं, पर पीड़ा की तड़प सहनी पड़ती है उनके माता पिता को। दीदी हमें एक दूसरे को वचन देना होगा, जैसे मैं और आप आज तक कभी नहीं लड़े, हमारी संतानें भी आपस में झगड़ा कभी नहीं करेंगी। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फल स्वरूप मुझे ये माला दी थी, जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। तू भी ना विंता, जिन्होंने भी जन्म तक नहीं लिया उनके झगड़े के बारे में अभी से क्यों चिंता करना। Thank you.
श्रीहीन होने के बाद भी देवता हमसे बहुत शक्तिशाली हैं गुरुदेव। हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। हमारे ना जाने कितने योद्धा तक अपने प्राण गंवा चुके हैं गुरुदेव। ध्यान से देखिए राजन, आपका एक भी योद्धा नहीं मारा गया है। ये कैसी माया है? भागो, अपने अपने प्राण बचाओ। ऐसा पहली बार हुआ था। पहली बार दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। जब जब संसार में कोई अप्रत्याशित अकल्पनीय घटना घटती है तब उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। मां कद्रु और मां बिंता भी इस प्रभाव से अछूते नहीं बचे थे। असुर राज महाबली की। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने असंभव को संभव बना दिया। आज युद्ध के मैदान में आपने जो किया वो अकल्पनीय है। सदा से शोषित रहे हैं हम असुर। पराजय हमारा स्वभाव बन गई थी। हम जीत भी सकते हैं ये विश्वास ही खो चुके थे हम। किंतु आज आपने स्वर्ग लोक का सिंहासन नहीं जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। अब सृष्टि में संतुलन स्थापित होगा और इसका सारा श्रेय केवल आपको जाता है गुरुवर। युद्ध आपने और आपके योद्धाओं ने लड़ा। साहस के साथ आपने अपने शत्रु का सामना किया और उन्हें भागने के लिए विवश किया। इस विजय का श्रेय आपका है राजन। मैंने तो केवल गुरु होने का धर्म निभाया है। आइए ना। राजमाता दीदी की। पुत्र, आज इस स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर तूने अपनी मां का मान बढ़ाया है, किंतु ये पर्याप्त नहीं। आज तुझे एक वचन देना होगा कि आज के बाद देवता इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे। आज के बाद मेरे पुत्र किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। और आज के बाद महान असुर राज महाबली की मां का गर्व से उठा हुआ यह शीश कभी नहीं झुकेगा। वचन दो। मैं वचन देता हूं मां, जब तक देवताओं का समूल नाश नहीं कर देता मैं शांत नहीं बैठूंगा।
असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की। महर्षि दुर्वासा के एक श्राप से यदि देवताओं का राज पाठ यश वैभव सब कुछ छिन सकता है तो उनके आशीर्वाद से मिली माला से विंता क्या नहीं कर सकती है। मुझे अपने संतानों के हित की रक्षा करनी ही होगी। इंद्र और अन्य देवताओं के अहंकार के कारण ही आज उनकी इतनी भीषण हार हुई है। हम अपनी संतानों को विनय की शिक्षा देंगे ताकि उन्हें कभी ऐसे दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े, है ना दीदी? दीदी किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं। असुरराज महाबली की, असुरराज महाबली की। दीदी मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत बधाई हो। इंद्र, वायु, अग्नि, इंद्र कहां चले गए तुमसे? इंद्र, तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है, कहां चले गए? इंद्र, कहां चले गए? मैंने चारों ओर ढूंढ लिया है, न जाने कहां है मेरे पुत्र। पहले तो मेरा स्वर सुनते ही लौट आते थे, परंतु आज। दीदी बाहरी नेत्रों से ढूंढना बंद कीजिए, मन की आंखों से देखिए, अपने हृदय से अनुभव कीजिए। आपकी अंतरात्मा अपने पुत्रों को स्वयं ढूंढ लेंगी। ढूंढा मैंने तुम सबको, और तुम सब यहां यहां क्या कर रहे हो? हम सब भयभीत हैं मां। जीवन में प्रथम बार हमें असुरों से भय लग रहा है। अपने प्राणों के लिए ऐसा भय इससे पहले अनुभव नहीं किया मां। ना जाने कैसे वो अमर हो गए हैं, हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके प्राण नहीं ले सकता। और अब तो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपराध मैंने किया था मां, किंतु उसका दंड मेरे इन भाइयों को और आपको मिल रहा है। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पुत्र, एकता में बहुत शक्ति होती। जब तक तुम सब एक साथ हो कुछ नहीं होगा तुम्हें, और जहां तक तुम्हारी प्राण रक्षा का प्रश्न है
सपुत्र, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी अवश्य होता है। और तुम्हारी मां वो समाधान अवश्य ढूंढ कर रहेगी। जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अधिक समय तक सत्मार्ग से दूर नहीं रह सकते। जब से महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव के वरदान स्वरूप मिली वो महान माला विंता मां को दी थी, कद्रुमा के मन में ईर्ष्या के अंगार सुलगने लगे थे। अपने आप को अपनी छोटी बहन विंता से उत्तम सिद्ध करने की हठ ने उनके मस्तिष्क में जड़ें जमा ली थी। यहां तक कि अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना करते समय भी उनके मन में यही एकमात्र विचार हावी रहता। और इसीलिए जब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने का समय आया तो उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, जो देवता मानव गंधर्व दानव इन सभी से अधिक शक्तिशाली हो, जो विकराल विषधर हो, जिन्हें देखते ही शिराओं में भय का संचार हो, मुझे ऐसे एक सहस्त्र पुत्र चाहिए। तथास्तु। ऐसे बलशाली पुत्र होंगे तो अवश्य त्रिलोकी सामग्री बन जाऊंगी मैं, फिर विंता ही नहीं दीदी अतिथि सब झुकेंगे मेरे आगे। देवी कद्रू की तरह आपका भी तप सफल हुआ, अपनी मन वांछित संतान मांगिए। स्वामी, अधिकार केवल मेरा नहीं है, संतान को अपने माता और पिता दोनों की इच्छाओं का संयुक्त स्वरूप होना चाहिए। इसलिए आप बताइए कैसे संतान चाहिए आपको। देवी, हम एक ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो माता पिता को अपना आदर्श समझे और जो संसार को ऐसी शिक्षा दे सके कि माता पिता की भक्ति से संसार का समस्त ऐश्वर्य पाया जा सकता है। एक ऐसे पुत्र की कामना जो संसार में देवों और असुरों के बीच के संग्राम को रोककर सृष्टि में संतुलन स्थापित करे। आपने मेरी कल्पना को स्वर दे दिया। जिसके मन में सृष्टि का कल्याण हो और चित्त में हो नारायण के चरण, मुझे ऐसे सदाचारी पुत्र का वरदान दे दीजिए स्वामी। देवी कद्रू ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। आप सही कह रहे हैं, संतान के समुचित विकास के लिए भाई या बहन का होना आवश्यक होता है। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु। अर्थात मेरा कोई भाई भी है, किंतु भैया माँ ने तो मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। कौन है वो और कहाँ है? तुम उन्हें मिल चुके हो घरों। क्या? किंतु कब? कौन? सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं वो, अरुण तुम्हारे बड़े भाई। अंधकार को समूल नष्ट करने वाले श्री सूर्यदेव को मेरा प्रणाम। माँ ने तो मुझे सदा सत्य का पाठ पढ़ाया और उन्होंने ही मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया, पर क्यों? कितने
कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, अपने सगे बड़े भाई को पहचान नहीं पाया, पर उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, क्यों? और इतना बड़ा सत्य क्यों छुपाया माने मुझसे? संसार की प्रत्येक मां जो भी करती है वो अपने संतान के भलाई के लिए ही करती है। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारी मां ने जो कुछ भी देखा, समझा और सहा था, उसके बाद से उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार तुम्हारी रक्षा के लिए ही था गरुड़। ऐसा क्या हुआ था मेरे जन्म से पूर्व? आज इस स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर तूने अपनी मां का मान बढ़ाया है। एक ओर जहां कद्रुमा अपने सहस्त्र डीमों के कारण उत्साहित थी, वहीं दूसरी ओर विंता मां भी अपने दोनों पुत्रों के डीमों से बाहर आने की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता के साथ कर रही थी। जन्म लेने के बाद तुम दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनना है, क्योंकि जो अपनी सहायता नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगा? संपूर्ण संसार आज भौतिक सुख के लिए व्याकुल है पुत्रों, पर तुम दोनों को उस अंतहीन दौड़ से बचकर आत्मिक सुख के मार्ग पर चलना है। सबसे पहले अपने परिवार की, फिर समाज की, फिर राष्ट्र की और फिर समस्त संसार की सेवा करनी है तुम्हें। सेवा नहीं, शासन करना है तुम सबको। स्मरण रखना, खड़गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं, इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रोग पर अपना राज स्थापित कर सको। कल्पना करो, चर अचर गंधर्व मानव देवदाना, जब सब तुम्हारे अधीन होंगे तो तुम्हारी मां का सम्मान कितना अधिक बढ़ जाएगा। विंता ही नहीं, दीति और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा। सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं, चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। राजमाता कद्रु की जय, राजमाता कद्रु की जय हो। माता कद्रु की, माता कद्रु की, माता कद्रु की, माता कद्रु की, माता कद्रु की। तो क्या आप वासुकी भैया और कुछ अन्य सर्प अपने भाइयों से स्वभाव में इसीलिए इतने भिन्न हैं क्योंकि बड़ी मां की छाया आपके डिम पर नहीं पड़ी थी? होने वाली संतान गर्भ में या डिम में रहते हुए ही अपने माता पिता के संस्कार ग्रहण कर लेना प्रारंभ कर लेती है। माता पिता के मनोभाव, प्रवृत्ति और कर्म उनके आने वाले संतान पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब संतान का जन्म होने वाला हो तो माता पिता को सुकर्म करने चाहिए, महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए, तामसी प्रवृत्ति से दूर रहते हुए सात्विक जीवन जीना चाहिए। तुम्हारा अनुमान सही है गरुड़, मुझ पर, वासुकी पर और कुछ अन्य सर्प भाइयों पर मां कद्रु की छाया या कहें तो उनका प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए हमें जो संस्कार मिले हैं वो हमें हमारे पिता महर्षि कश्यप से मिले हैं। पर भैया, मेरी मां तो सात्विक जीवन ही जीती है और अरुण भैया को भी उन्होंने वही संस्कार दिए होंगे जो मुझे दिए हैं। उन्हें भी समाज कल्याण और परोपकार का वही मार्ग दिखाया होगा जिस पर मुझे चलना सिखाया है। फिर मां के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों भैया? क्यों उन्हें अपने बड़े पुत्र से अलग होना पड़ा? क्यों बनना पड़ा किसी और की दासी? जिस प्रकार तुम अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए लालायित हो, उसी प्रकार हम दोनों की मांएं भी अपने अपने पुत्रों को जन्म लेते हुए देखने के लिए आतुर हो चुकी थी। कद्रुमा की आतुरता अधिक थी, सबसे पहले वो व्याकुलता में बदली, फिर अधीरता में, और फिर देखते ही देखते
उन्माद में बदल गई। बिंदा मां में संयम था, परंतु पुत्र प्रेम के कारण वो भी अपने आप को उन्माद के संक्रमण से अधिक समय तक बचा नहीं पाई। खड़गे नागर में मुजीता वीर भोग्य वसुंधरा, खड़गे नागर में मुजीता वीर भोग्य वसुंधरा, खड़गे नागर में मुजीता वीर भोग्य वसुंधरा, खड़गेन आक्रम में बुंजीता 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 वीर भोग्य वसुंधरा। दीदी अब शीघ्र ही मेरे पुत्रों का जन्म होगा। जब वो पहली बार अपनी रिम से बाहर निकलेंगे तो मैं नहीं चाहती उस क्षण की साक्षी बनने से मैं चूक जाऊं। मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी, शीघ्र ही मेरे पुत्रों का भी जन्म होगा और संभव है आपके सहस्त्र पुत्रों से पहले मेरे पुत्रों का जन्म हो जाए। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। ऐसा नहीं होगा, दिव्य माला मिलने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मुझसे पहले और अधिक मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे ही पुत्रों का जन्म होगा। तो लगी शर्त, जिसके डिम बाद में फूटेंगे उसे पूरे महल को दीपक से सजाना होगा। स्वीकार है। कहां से आ रही है ये ध्वनि? मन की आंखें वो भी देख सकती हैं, जिसे देखने में तन की आंखें असमर्थ होती। अब शीघ्र ही पता चल जाएगा कि इस ध्वनि का स्रोत कहाँ है। अनंत, सत्य कहा तुमने, मेरा सबसे बड़ा पुत्र इस नाम से भी जाना जाएगा। तुम्हारी छोटी माँ विंता ने तुम्हें अनंत नाम दिया है, किंतु मैं तुम्हारी माँ तुम्हें शेष कहकर बुलाऊंगी, शेष नाग। तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि आवश्यकता पड़ने पर पूरी पृथ्वी का बोझ अपने कंधों पर उठा पाओगे। अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। देख लिया, सबसे पहले मेरे ही पुत्र ने जन्म लिया।
तुम वासुकी कहलाओगे पुत्र। मनचाही लंबाई धारण कर सकते हो तुम। प्रणाम माँ। प्रणाम छोटी माँ। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। उनके गले की शोभा बनोगे तुम। इतना मूल्यवान आशीर्वाद देकर आपने मेरा जीवन सफल कर दिया छोटी मां। मेरे पुत्र इसी की स्तुति करते रहेंगे तो मेरा स्वप्न तो अधूरा ही रह जाएगा। संसार में तुम्हारा स्वागत है पुत्र दक्षक। तुम्हारे विष की कोई काट नहीं होगी। बिजली की लपट और उसकी गति के गुण जो तुम्हारे भीतर है, उस गुण के कारण तुम नाग शक्ति के नायक बनोगे। तुम्हारी छोटी माँ है, प्रणाम करो।
वाह पुत्र वाह, तेरी शक्ति अद्भुत है, साक्षात काल का रूप हो तुम। आज से ये संसार तुम्हें कालिया के नाम से जानेगा। बड़े से बड़े जलाशय को एक ही पुंकार में विशाला करने की क्षमता होगी तुम्हारे विश्व में। ये कैसे आशीर्वाद दे रही हैं कद्रू दीदी अपने पुत्रों को? इनसे संसार का उद्धार कैसे होगा? क्या हुआ विंता? कदम का ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय था दीदी। इसके पुष्पों से मैं श्री विष्णु की पूजा करती थी। एक वृक्ष तो जला है विंता, इसमें इतना खिन्न होने की क्या आवश्यकता है? बच्चे खेल रहे हैं, नाश विनाश तो होता ही रहेगा। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी अभी तक एक भी संतान नहीं हुई है ना? मेरे पुत्र ना केवल आयु में बल्कि बल सामर्थ्य ऐश्वर्य में भी तुम्हारे पुत्रों से बड़े होंगे। मैं शर्त जीत गई विंता, और अब मैं अपने पुत्रों के साथ समस्त संसार को जीतूंगी। ये पुत्र नहीं, एक सहस्त्र अस्त्र शस्त्र है मेरे, जो बड़ी से बड़ी शक्तियों को मेरे चरणों में झुका देंगे। समस्त संसार इनसे डरेगा और मेरा सम्मान करेगा। दोहराओ, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। कद्रू दीदी के एक सहस्त्र पुत्रों ने जन्म ले लिया, पर मेरे एक भी पुत्र का जन्म अभी तक नहीं हुआ। कब फूटेंगे मेरे दिन? कब होंगे मेरे पुत्र? उस समय विंता माँ की आंखों में मैंने जो देखा, उसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा क्या देखा आपने भैया? मत्सर अर्थात ईर्ष्या। माँ और ईर्ष्या? असंभव।
पर शेषनाग भैया असत्य क्यों बोलेंगे?